I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. तो फ्रेंड्स अभी 2:06 हो रहे हैं और फाइनली इसका गेट ओपन हो चुका है, तो चलिए चलते हैं अंदर। और आपको गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे मचा रहे हो। तो जी फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं राइट नाउ देहरादून रेलवे स्टेशन पे, और इसका रीज़न तो आप लोग को पता ही हो चल गया होगा। पीछे आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि चलेगी देहरादून टू लखनऊ के लिए। ऑलरेडी हमने इसमें परसों ही यानी कि कल ही लखनऊ टू देहरादून सफ़र किया था और बहुत ही मस्त सफ़र रहा था। तो इसके बाद फिर हम चले गए थे मसूरी से अभी वापस आ रहे हैं। फिर से हमने ये ट्रेन बुक कर रखी थी और अब चल रहे हैं फाइनली लखनऊ की ओर यानी कि घर की ओर, है ना। तो आते वक्त भी हो गया, इसके जाते वक्त भी, चलिए आप लोग को सब कुछ, हालांकि सब कुछ लगभग सेम ही होने वाला है लेकिन फिर भी एक नया एक्सपीरियंस तो रहता ही है ना, हर बार के जर्नी का एक नया एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर, इसके क्या कुछ फैसिलिटीज वगैरह आप लोग को इस ट्रेन में जाते वक्त मिल जाती है। इसका पिछले वीडियो में हमारा माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर वॉइस देखने को मिलेगी। तो सब कुछ आप लोग को A to Z पूरा सफ़र करके दिखाएंगे और फूड वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे ना। तो चलिए, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे से ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद जब ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो आपको दिखाते हैं इसका पूरा इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली चलते हैं अंदर की ओर और आपको सब कुछ दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो अपना कोच है ना, जस्ट इंजन के बगल वाला ही है, C7। चलिए ठीक है, चलते हैं अंदर की साइड और देखिए ये है जी सीसी क्लास यानी कि चेयर का। चेयर कार में 25। तो जी अभी 2:25 का टाइम हो चुका है और जैसे ही इसका टाइमिंग होगा उसके पहले ये गेट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, है ना। तो अब अपनी ट्रेन जस्ट निकलने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ फीचर दिखा दे। देखिए अगर आपातकाल में कभी भी आप लोग को कुछ दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे गए हैं दरवाजे खोलने के साथ ही, ताकि साइड आप लोग को कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है। देखिए दोनों साइड कैमरा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग कभी भी इमरजेंसी में ड्राइवर से यानी कि पायलट से बात करनी हो तो यहाँ से पुश टू टॉक पे क्लिक करके आप लोग यानी कि प्रेस करके एक बार आप लोग पायलट से बात वगैरह कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है कैसे आप लोग को बात वगैरह करनी है, ठीक। तो फाइनली अपनी अब ट्रेन चल रही है। लो जी, ओह माय गॉड, हर हर महादेव। तो लो जी, सबसे पहले आप लोग को टॉयलेट ही दिखा देते हैं क्योंकि भाई आम जनमानस में इंडियन रेलवे के टॉयलेट की जो छवि बनी हुई है वो गंदी, काफ़ी ज़्यादा गंदी बनी हुई है ना, वो हम लोग की वजह से ही होता है क्योंकि हम लोग ही गंदा करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें इंडियन रेलवे या सरकार की कोई गलती नहीं है, ठीक। हम लोग को इस ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें स्वच्छ रखें, ठीक, हमेशा फ्लश करें, ये सब सारी चीज़ें हमेशा फ्लश वगैरह करते रहिए, ठीक है। बाकी देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा निहारने के लिए मिल जाता है ये सुंदर सा मिरर, इसके अति ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप ड्रायर, ठीक, और ये हैंड वॉश यहाँ से आपको मिल जाएगा, हैंड वॉश, और यहाँ ये वॉश बेसिन मिल जाता है, ठीक। अब आपको दिखाते हैं मेन चीज़ जो टॉयलेट है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का आप लोग को टॉयलेट मिल जाएगा। और फ्लश करने के लिए यहाँ पे आप लोग को एक बार इसको बस प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करते हो काम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया वेस्टर्न स्टाइल का। अब आपको दिखा देते हैं इसके जस्ट सामने ही हर डिब्बे में इसके एक आप लोग को वेस्टर्न स्टाइल वाला मिलेगा, उसके जस्ट सामने इंडियन स्टाइल वाला, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। और ये रहा इंडियन स्टाइल में टॉयलेट, और इसमें भी सारी चीज़ें आप लोग को लगभग देखिए सेम ही मिल जाती है। बस ये जी रहेगा आपका टॉयलेट इंडियन स्टाइल में, और इसको भी फ्लश करने के लिए आप लोग को इसमें एक बार प्रेस करना है, ये फ्लश वगैरह हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आप चलते हैं बाहर की तरफ। अब चल के सबसे पहले एग्जीक्यूटिव क्लास है जो इसका, वो आपको दिखा देते हैं, ठीक, पता नहीं बाद में सीट मर जाए।
तो देखिए कुछ इस तरीके का सीट कॉम्बिनेशन आप लोग को इससे एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने को मिलता है, और ये सीट थोड़ी सी जो चेयर कार वाली सीट है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगी। तो जैसे ही ट्रेन चलती है सबसे पहले आप लोग को ये वाटर बॉटल मिल जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए अब आपको दिखाते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट कैसे रोटेट होती है। तो रोटेट करने के लिए आप लोग को देखिए यहाँ पे इसके इसके नीचे ये मिल जाता है, इसको आप लोग को पैर से थोड़ा सा प्रेस करना है, इसके बाद ये सीट पूरी फ्री जाती है। तो जैसे फ्री जाती है उसके बाद फिर आप लोग इसे आराम से रोटेट कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से रोटेट कर सकते हो और आराम से नज़ारों का एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को रोटेट करके ये देखिए आराम से इधर से विंडो से नज़ारे का एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही इसमें आप लोग को जब भी इधर करना हो फिर से आप लोग इधर से रोटेट कर सकते हो, और भी यहाँ पे आप लोग को इसमें न्यूज़पेपर वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ ही ये विंडो अगर आप लोग कभी धूप और लगे तो आप लोग ऊपर नीचे यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। इसके साथ ही सामान वगैरह रखने के लिए आप लोग को ऊपर फैसिलिटी मिल जाती है, और जब कभी लाइट की ज़रूरत हो तो आप लोग को बस टच करना है, ये लाइट ऑन हो जाएगी। फिर अगर आप लोग को ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप इसे ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लंच वगैरह करना हो, डिनर वगैरह करना हो, तो यहाँ से आप लोग को इसको ऊपर उठाना है, ठीक। ऊपर उठाकर यहाँ से आपको टेबल मिल जाएगा ये, एंड इसको आप लोग को ऐसे करना है, इसके बाद फिर ठीक। तो यहाँ पर बैठकर आराम से इस तरीके से ये टेबल खोलकर लंच करना हो, डिनर करना हो, या फिर ब्रेकफास्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सीट अरेंजमेंट इस तरीके से आप लोग को एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे नीचे की साइड आप लोग को ये चार्जर देखने को मिल जाते हैं हर सीट पे, ठीक है। और जब इसको बंद करना हो तो इसको तो इस तरह से फोल्ड करके आप लोग ऐसे कर लेंगे और इसको आप लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही पैर वगैरह रखने के लिए सामने की साइड आप लोग को ये मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग पैर वगैरह रख के आराम से जर्नी कर सकते हो, एंड सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हो, ठीक। और जी आज हमें मिली है सीसी क्लास की सुपर स्पेशल सीट, और अभी मैं दो बार इससे जर्नी कर चुका हूँ, तो मैं सोचा था ना ये वाली सीट शायद स्पेशल बुक करनी पड़ती है, ठीक, बट ये ऐसे ही मिल जाती है। अगर पहले से अगर आप बुकिंग किए रहोगे तो हो सकता है आपको ये सुपर स्पेशल सीट देखने को मिल जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अभी अपना फर्स्ट स्टॉपेज आ चुका है हरिद्वार, और इसका टाइमिंग यहाँ पे, हाँ इसका टाइमिंग यहाँ पे 3:30 ऐसे ही ट्रेन हरिद्वार से डिपार्ट करेगी, आपको ये स्नैक्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी 4:26 हो रहे हैं और फाइनली हमने स्नैक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, और आज का जो स्नैक्स ना वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहा, नहीं तो वो हमेशा तो भाई सिर्फ चाय और वो क्या नाम है बिस्किट, दो बिस्किट पकड़ा देते थे, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा आइटम थे और मस्त था, ठीक है। तो अभी देखो शाम का टाइम हो चुका है और धूप भी हल्की हल्की छट गई, तो नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अब खूबसूरत मिलने लगे हैं। बाहर का जो खेत वगैरह है ना, तो जब गेहूँ अभी हल्का हल्का फूल चुका है तो पीला और हरा का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, साथ ही गन्ने के खेतों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? तो फ्रेंड्स, अभी 5:50 हो रहे हैं और फाइनली अपनी वंदे भारत 5 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, और इसका जो टाइमिंग है ना वो 5:45 पे ही है, लेकिन अभी ये 5 मिनट आज के दिन लेट हो गई। सो फ्रेंड्स, अभी 7:05 हो रहा है। तो जी जैसे ही बरेली से ट्रेन डिपार्ट करती है वैसे ही आप लोग को मिल जाएगा डिनर, देखते हैं आज डिनर में क्या मिलता है। ये
ये ट्रेन देखिए हफ्ते में सिर्फ 6 दिन चलती है, सोमवार के दिन नहीं चलती, सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन ये ट्रेन आपको मिल जाएगी, लखनऊ टू देहरादून और देहरादून टू लखनऊ, ठीक। दोनों ही वीडियो हमने बना दिया प्रॉपर, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और इसका कुल 3 स्टॉपेज है, पहला आपका अगर इधर से आ रहे हैं लखनऊ से तो आपका पड़ेगा बरेली, फिर मुरादाबाद, उसके बाद फिर हरिद्वार, उसके बाद फिर लास्ट में देहरादून छोड़ देगी। और अगर आप लोग देहरादून से आ रहे हो तो पहला स्टॉपेज आपका पड़ जाएगा हरिद्वार, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद फिर ये बरेली, उसके बाद फिर लास्ट में करीब 10:40 का इसका टाइमिंग है, लखनऊ में आपको चारबाग रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि लखनऊ जहाँ पे छोड़ेगी स्टेशन पे ना, वो जी है छोटी लाइन, ठीक। सो फ्रेंड्स, अभी 10:04 हो रहे हैं और भाई बरेली तक ये ट्रेन लेट चल रही थी, है ना, करीब 15-20 लेट हो चुकी थी। उसके बाद बरेली के बाद क्या रफ्तार पकड़ी है, मतलब अफला तो मज़ा आ गया भाई। और बातचीत करने में पता ही नहीं चला, अभी पहुंच चुकी है लखनऊ, हालांकि अभी चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं आया है, ये आलमनगर में ही रुकी, करीब 7 किलोमीटर यहाँ से और रह गए हैं। अब देखते हैं ये टाइम पे, यानी कि बिफोर टाइम पहुंचा देती है चारबाग पे या फिर अपने टाइम पे ही चलती है, क्योंकि खींच के तो बहुत तगड़ी लाई है। तो देखते हैं भाई, क्योंकि इसका तो डोर भी नहीं ओपन होता ना, अगर डोर ओपन हो जाता तो हम लोग यहीं से उतर कर चले जाते। अदर ट्रेन में ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कहीं आउटर पे रुकती है तो उतर कर तुरंत के तुरंत निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर डोर ओपन करेंगे तो फाइन देना पड़ेगा। तो ये कुछ सीन शॉट है, चलिए कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं, आई होप कि तुरंत अब जब यहाँ तक आ गई है तो चारबाग पे भी जल्दी से जल्दी पहुँचा दें। तो जी अभी 10:03 हो रहे हैं और 30 मिनट हो रहे हैं और फाइनली अभी हम लोग लखनऊ चारबाग पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं। देखिए ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, बस हम ही केवल थे, ठीक है चलो चलते हैं। तो फाइनली अब अपना सफर यहीं पे समाप्त हुआ। ओके अभी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी 10:41 हो रहे हैं और फाइनली अपनी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है इस वंदे भारत के द्वारा, और अब बारी है इस वंदे भारत की जर्नी का रिव्यू देने की। तो अपनी जर्नी जो है बहुत ही शानदार रही, आपको याद होगा अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो इसी लखनऊ स्टेशन से हम देहरादून गए और देहरादून से फिर वापस अभी लखनऊ आ रहे हैं। तो मिला जुला कर बहुत ही अच्छी जर्नी रही और खाना वगैरह भी एक नंबर का, बल्कि जो स्वीट डिश है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ दे रहे हैं, जब जाते समय लड्डू दिया था वो पसंद नहीं आया था और आते समय रसगुल्ला दिया, कम से कम गुलाब जामुन देते तो मज़ा आ जाता है ना। बाकी और जो खाना था वो मस्त था, इससे आते जो स्नैक्स वगैरह आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं और टी वगैरह तो नॉर्मल ही है, ठीक। तो मिला जुला कर जर्नी बहुत ही अच्छी रही और आज तो इसने कमाल ही कर दिया, बिफोर टाइम भी पहुंचा दी, क्योंकि बरेली तक थोड़ा लेट चल रही थी, करीब 20 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन अभी बिफोर टाइम आ गई है, ठीक। तो आप लोग इस ट्रेन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट करना, हम आपके सारे सवालों का रिप्लाई करेंगे। बाकी अब चलते हैं और बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए साइनिंग आउट।